हेलो व्यूअर्स, मु सुमंत यूट्यूब चैनल को आपण समस्त स्वागत। बंधुगण जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो मैंने करना आज ही करनी एवं बेल आइकन टी टिपि दिंतु जहाँफल कि मोर नुआ नुआ वीडियो आपण पाखे प्रथम पहुँच पार। बंधुगण आम गला वीडियो रे देखी जीपीएफ यूजर आईडी एवं पासवर्ड दे किपर भाव आम जीपीएफ स्लिप बाहर कर पारे। ये वीडियो देखिवा जदि जने निजर पासवर्ड भूली जाइथांती ताले किपर भाव आम रिसेट कर पारिबा। तो चलंतु ए वीडियो देखिवा ए छोटो इंट्रो परे। हाँ बंधुगण, प्रथम थर पर आपण प्रथम गूगल क्रोम को जीवे। क्रोम को गलापर से आपण लिखे ezodisha.gov.in लिखि एंटर करदे। एंटर करने द्वारा आपण स्क्रीन रे ezodisha साइट टी खोल। आम गला थर जपर जीपीएफ स्टेटमेंट बाहर करते भाव आम गेट योर जीपीएफ स्टेटमेंट से क्लिक करवा। क्लिक करने द्वारा आमर गला थर जमी पेज टी खोली जाइला जो थे कि आपण को जीपीएफ नंबर एवं पासवर्ड देवा पड़ता से भाई स्क्रीन टी आसो आप फॉरगेट योर पासवर्ड रे क्लिक करें। देख स्क्रीन से नो रे क्लिक करेंगे कारण वीडियो कोड थी येस करती ना नो रे करेंगे। नो रे करने द्वारा आप स्क्रीन यहपर गोटे आसीज इंटरफेस ये आप निजर जीपीएफ नंबर उपर फॉलोड बाय पीओ तापरे डेट ऑफ बर्थ आपण ईयर मंथ एंड डेट से चूज करेंगे। चूज कला परे जोटी आपण को मोबाइल नंबर दवापे किंबा ईमेल आईडी आप मोबाइल नंबर जोटा रजिस्टर मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर देवे ना अलग मोबाइल नंबर देले एठी मेसेज आसीब ना। मोर मोबाइल नंबर टे दे एवं जो कैप्टिचा दे से कैप्टिचा टी को ठीक से टाइप करेंगे कैपिटल स्मॉल देखिकी तापरे सबमिट रे क्लिक कर करदे। जदि आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर ठीक थिबो एवं सब डाटा ठीक थिबो ताले आपण को गोटे मेसेज आसीबो मोबाइल को रजिस्टर मोबाइल को देखंतु ऊपर ग्रीन रे लिखा है थिबो गेट योर माने आपण चेक योर मोबाइल माने आप मोबाइल रे चेक करूँ जो मेसेज जाइ मोबाइल नंबर ठीक थी सांगे सांगे आप मेसेज चल एवं ये आपण मेसेज वन टाइम पासवर्ड जहाँ कहते लिखाई थी आप कौन करेंगे ना बैक करके पुणी जीपीएफ नंबर देवे जो वन टाइम पासवर्ड टी पाई एंट्री करेंगे। एंट्री कला लॉगिन क्लिक करदे से पुणी गोटे स्क्रीन खोल जोटे कि आपण को सही ओल्ड पासवर्ड मान जोटा आप वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पाई से देवे आपण जहाँ नुआ पासवर्ड करा चाहते से न्यू पासवर्ड देवे से मिनिमम 8 क्यारेक्टर होगा दरकार आती कैपिटल स्मॉल लेटर सिंबल नंबर यहपर भाव आप रखी ताको आटलिस्ट आपण आठटा क्यारेक्टर करवा निहाती दरकार नहले से नबनी मिनिमम आठटी क्यारेक्टर नब आप से अनुसार भाभी जमी आप मन रखिपर से भाव आठटी क्यारेक्टर से देवे मुझे मोर हिसाब से आपण मैंने निजे निजर से भाव देवे न्यू पासवर्ड जहाँ देवे कनफर्म पासवर्ड से पासवर्ड टी आउ थे रिटाइप करेंगे एवं चेंज उपरे क्लिक कर करदे। चेंज उपरे क्लिक करवा द्वारा आपणकर ये जो नुआ पासवर्ड टी आपण सेट हो जाए
এইভাবে ভাবে স্ক্রিন খোলে যাব বেড়ে বেড়ে এই স্ক্রিন রে আপন টোটাল খোলেনি তেনু আপন এটি বেটার হব আপন প্রোফাইল রে লগ আউট করে যাবে লগ আউট করি সারিবা পরে পুনি লগইন করলে আপনকু ইজি হব তেনু আমি বর্তমান প্রোফাইল কে যাই কি লগ আউট করে যাবা এবং পুনি থরে এ জি ওড়িশার সাইট কি যাই সেঠারে বর্তমান লগ আউট হয়ে যাইছি পুনি আমি সে জি ওড়িশার সাইট কি যাবা সেই গেট ইওর জিপিএফ স্টেটমেন্ট তার উপরে ক্লিক করিবা এবং বর্তমান আমি আম জিপিএফ নম্বর সহিত যে নূয়া পাসওয়ার্ডটি করিলে সেই পাসওয়ার্ডটিকে এটি দেবা ମୋ ଜି ପି ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଠି ଦେଉଛି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଜି ପି ଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମେ ଗଲା ଥର ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ନଥିବ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ଥିବ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଦୁଇଟି ପେଜ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲ୍ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପେଜ୍ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେଠି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିପାରିବ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ନିଜର ଜି ପି ଏଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ଜି ପି ଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ